Good afternoon, all of you. Today we will discuss. Today revise. I will going to revise entire topic. Okay. So, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग ये मेरा पहला केस है लाइन परपेंडिकुलर टू एच पी एंड वी. तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, इस प्रॉब्लम का पिक्चोरियल व्यू बनाना होगा और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना होगा. तो इसका पिक्चोरियल भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाओ, तो फिर हम लोग इसके बाद हम लोग देखते हैं. हाँ हेलो प्रज्वल. यस सर. हाँ ठीक है, आज हम लोग रिवाइज करेंगे. ठीक है, तो आज जितना क्वेश्चन होगा सभी लोग पूछ लेना. ठीक है, जो भी पूछना होगा. तो ये सबसे पहला केस है लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी. तो सबसे पहले हम लोग को पिक्चोरियल व्यू और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. तो सबसे पहले पिछले क्लास में तुम्हारा ही प्रॉब्लम था, तो हम लोग सबसे पहले तुम ही से आज पूरे इंटायर क्लास में हम लोग तुमसे बस बात करेंगे. ठीक है, जो भी सॉल्यूशन जो डिफिकल्टीज होगा. तो सबसे पहले इसका पिक्चोरियल व्यू जो है अपने कॉपी में बना, बाकी लोग भी पिक्चोरियल व्यू अपने कॉपी में बना, और प्रज्वल आज जितना भी प्रॉब्लम होगा वो प्रज्वल दिखाएगा. ठीक है, ठीक है, इसे इसका पिक्चोरियल व्यू बना और उसके बाद ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना. जिनको आता है वो नहीं भी अटेंड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अटेंडेंस देख के जा सकते. आज प्रॉब्लम सेशन है, तो आज जितना क्वेश्चन भी पूछना है आज पूछ के खत्म करो. ठीक है, जो भी कंफ्यूजन है वो आज पूछो. हेलो सर. हाँ, बताओ. हाँ सर हाँ सर यही सर इसी में सर नेटवर्क इशू था सर, ये दोबारा सर बता दीजिए सर. अच्छा ठीक है लो बता दे. हाँ 2-3 क्लास सर मिस हो ठीक, चुकी कोई सर. कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ठीक है, हम बताएंगे प्रॉब्लम, हम बताएंगे. ठीक है, तो ठीक है, तो प्रज्वल को ठीक है. तो नेक्स्ट में क्या है, तुम्हें आंसर मुझे देना है. ठीक है, क्वेश्चन है रहेगा क्या, जिस स्टूडेंट से बोलते मुझे बस आंसर देना है. रोल नंबर 336. हेलो रोल नंबर 336. हेलो रोल नंबर 336. हेलो रोल नंबर 341. हेलो रोल नंबर 341. हाँ इसके, हाँ ठीक है, इसे बनाने आता है क्या, पिक्चोरियल व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. ठीक है, रोल नंबर 340. यस इसका सर. पिक्चोरियल व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना सकते हो. यस सर. ठीक है, वेरी गुड. रोल नंबर 347. हेलो रोल नंबर 347. यस सर. इसका यस सर. पिक्चोरियल व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना सकते हो. यस सर, दोनों बना लेंगे. ठीक है, रोल नंबर 345. हेलो रोल नंबर 345. यस सर. इसका पिक्चोरियल व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना सकते हो. नहीं सर, एक बार बता दीजिए. ठीक है, वेरी गुड. रोल नंबर 348. यस सर. इसका पिक्चोरियल व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना सकते हो. यस सर. ठीक है, तो रोल नंबर 346. यस सर. इसका पिक्चोरियल व्यू और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना सकते हो. यस सर. रोल नंबर 350. ठीक है, रोल नंबर 351. रोल नंबर 351. इसका पिक्चोरियल व्यू और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना सकते हो. सर ऑर्थोग्राफिक बना सकते हैं, पिक्टोरियल नहीं. और कोई बात, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मुझे ऑर्थोग्राफिक से ही मतलब है. रोल नंबर 334.
अर्पित, हेलो अर्पित, यस सर, इसका पिचोड़िया व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना सकते हो? यस सर, ठीक है ठीक है। तो हम लोग एक्सेल सीट बनाते हैं, जिस एक्सेल सीट में जो लोग बना सकते हैं वो मुझे हेलो बना के सर, बैठ, हाँ ठीक है, बना के दिखलाएं, अब उस बाकी के लिए हम इसको बनाएंगे, ठीक है? तो हेलो जवाब, हाँ ठीक प्रज्वल, थोड़ा सा वेट करो, रोल नंबर सर भी, हाँ बताओ। सर, जब ठीक सर हॉलीडे हुआ था सर 1 से 15 तक, तो सर उसके पहले भी सर 2-3 बार नेटवर्क इशू रहा सर, बहुत सर दिक्कत हुई कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे प्रोसीड कर रहे हैं कि सर। जैसे, अगर हाँ सर अगर नहीं हम, ऑफलाइन हो जाता तो उसमें पूछ लेंगे। चलो अच्छा देख, नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पढ़ाएंगे तो फिर कंबरसर हो जाएगा ना, तो अगर जैसे किसी को नहीं बना सकता है तो वो मुझे पता होना चाहिए ना किसे नहीं बना सकते। प्रॉब्लम 340, 347, 348, 346, 351 और 334, ठीक है, 334। प्रॉब्लम 340, 347, 348, 346, 351, 334। सभी लोग इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन अपने कॉपी में बनाइए विद ए प्रॉपर स्केल, उसके बाद शो करिए, ठीक है? तो ये सबसे पहले ये पहला प्रॉब्लम है, ठीक है? तो लाइन इंक्लाइंड, लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी, ठीक है? तो ये तुम्हारा एबी लाइन है, ये एचपी के परपेंडिकुलर है, तो एचपी के परपेंडिकुलर होगा तो वो लाइन तुम्हें इस तरीके से दिखाई देगा, तो परपेंडिकुलर है तो एचपी से 90 डिग्री बनाएगा। रोल नंबर 345, हेलो,
नंबर 345। यस सर। अच्छा ये वीपी से कितना एंगल बनाएगा? ये जैसे ए बी लाइन है तो एचपी से बना रहा है एंगल, एंगल के मैं 90 डिग्री बना रहा है, तो वीपी से कितना एंगल बनाना चाहिए? इसे पिक्चर पिक्चर देखो, पिक्चर देख के बताओ। अपने कॉपी में भी नोट कर लेना ये क्वेश्चन, ठीक है? तो ये अगर लाइन एचपी के परपेंडिकुलर होता है तो वीपी से कितना एंगल बनाता है, ये क्वेश्चन जो है अपने कॉपी में नोट कर लेना। रोल नंबर 334। हेलो हेलो अर्पित, ठीक है माइक ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अच्छा ये बताओ कि ये वीपी से कितना एंगल बनाएगा अर्पित? व्हाट सर? ये ए बी लाइन है, ये वीपी से कितना एंगल बनाएगा अगर एचपी के परपेंडिकुलर है तो? तो तुम्हें दो, अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो तुम्हें दो जवाब देना है, ठीक है? एक जवाब है उसका आंसर, दूसरा जवाब क्या है सर, अगर इन केस अगर नहीं आता है तो सीधा डायरेक्टली सर नहीं आता, ठीक है? तो हम लोग प्रोसीड करेंगे। सर अगर लाइन एचपी के परपेंडिकुलर है तो वीपी से कितना एंगल बनाना चाहिए, ये पिक्चर है तुम्हारा सर? 90। हाँ 90 क्वेश्चन, ठीक है चलो 90 भी बनाता है। अब हम लोग किसी और स्टूडेंट, प्रज्वल बताओ आंसर क्या होना चाहिए। सर अभी ही मालूम। ठीक है हाँ प्रियांशु तुम बताओ कितना आंसर होना चाहिए, वीपी से कितना एंगल बनाना चाहिए? सर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बनेगा, एचपी एचपी के परपेंडिकुलर है तो एचपी से 90 डिग्री बने, वीपी से कितना एंगल बनाएगा? हाँ तो ठीक है, तो देखो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, अगर लाइन एचपी के परपेंडिकुलर होता है तो वीपी के क्या है, वीपी के पैरेलल होता है, तो वीपी अगर कोई अगर लाइन एचपी के परपेंडिकुलर होगा तो वीपी के पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल का क्या कंडीशन है, कोई भी लाइन वीपी के पैरेलल का अर्थ है पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और पॉइंट बी से वीपी को परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये इक्विडिस्टेंस है। तो पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये तुम्हारा ए डैश होता है और पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ये तुम्हारा पॉइंट बी डैश होता है। अब ए बी बी डैश ए डैश ये तुम्हारा रेक्टेंगल बनाएगा, तो जब रेक्टेंगल बनाता है तो सभी एंगल 90 डिग्री होता है और इसका अपोजिट साइड जो है वो तुम्हारा इक्वल होता है। तो अपोजिट साइड इक्वल होने का अर्थ है कैपिटल ए ए डैश इज इक्वल टू कैपिटल बी बी डैश, तो डी ऑफ बी इज इक्वल टू डी ऑफ ए। तो अगर कोई लाइन एचपी के परपेंडिकुलर होगा तो वीपी के पैरेलल होगा, तो इस चीज को अपने कॉपी में नोट कर लेना। इफ ए लाइन ए बी is perpendicular to HP, it means it is parallel to VP. तो parallel to VP. तो parallel to VP का अर्थ है D of A is equal to D of B. Point A is point A and point B are equidistant from a vertical plane. तो point A और point B जो होगा वो vertical plane से equidistant होता है। तो ये सबसे पहला मार्केबल चीज है, ठीक है? ठीक है अब सेकंड क्वेश्चन है, ये तो ये क्वेश्चन ये आंसर सभी का कंप्लीट, सभी लोगों को कंप्लीट हो गया? अगर ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में तो सभी लोग सही जवाब दोगे, सभी का क्लियर? यस सर। ठीक है सेकंड क्वेश्चन है कि तुम्हारा अगर लाइन जो है जैसे ए बी लाइन एचपी के परपेंडिकुलर हो तो इसका टॉप व्यू क्या होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन जो है हेलो दिव्या दिवाकर, हेलो दिव्या दिवाकर, यस सर। ठीक है इसका टॉप व्यू क्या बनेगा, टॉप व्यू लाइन बनेगा
पॉइंट बनेगा, लाइन बनेगा तो कितना डिस्टेंस का होगा, इसका टॉप व्यू कैसा दिखेगा अगर लाइन एचपी के परपेंडिकुलर है तो। देखो ये लाइन है, इस लाइन को एचपी में प्रोजेक्ट करना, तो कैसा दिखना चाहिए? ए को प्रोजेक्ट करो तो ये स्मॉल ए आया, बी को प्रोजेक्ट करोगे तो ये स्मॉल बी आया, दोनों एक ही पॉइंट पर शो किया गया। तो इस चीज को ध्यान दे दो कि अगर लाइन एचपी के परपेंडिकुलर होगा तो ए स्मॉल ए और स्मॉल बी एक पॉइंट पर कोइंसाइड करता है। तो अगर लाइन एचपी के परपेंडिकुलर होगा तो टॉप व्यू जो होगा वो एक पॉइंट का होगा, इसीलिए इस थर्ड वाले फिगर में जो है वो तुम्हारा टॉप व्यू जो है वो तुम्हारा एक पॉइंट पर डिनोट कर रहा है, पॉइंट ए और बी एक पॉइंट पर होगा। तो कभी भी लाइन अगर एचपी के परपेंडिकुलर होता है तो इसका टॉप व्यू जो होगा एक पॉइंट होगा, ये पॉइंट तुम्हें नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यस क्वेश्चन है, ठीक, नोट कर लेना। अब जैसे ये तुम्हारा लाइन ए बी है, ए बी जो है ए बी का फ्रंट व्यू जो है वो कितना होना चाहिए? रोल नंबर 351, फ्रंट व्यू का लेंथ कितना होना चाहिए? ए बी का लेंथ मानो अगर 100 mm है तो ए डैश बी डैश का लेंथ कितना होना चाहिए? हेलो, 351। यस ए डैश बी डैश का लेंथ कितना होना चाहिए अगर लाइन तुम्हारा परपेंडिकुलर टू एच पी है? तो फ्रंट व्यू का लेंथ कितना होना चाहिए? ए डैश बी डैश के बराबर होगा। हाँ, तो इसी इतने ही कॉन्फिडेंट में तुमको करना होगा बराबर। तो कर, तो सही है आंसर। तो अगर लाइन हाँ हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। पीपीटी सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, तो हाँ, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं। अगर कोई भी लाइन अगर तुम्हारा वीपी के पैरेलल होगा तो उसका फ्रंट व्यू जो होगा वो हमेशा टू लेंथ के बराबर होगा। तो क्योंकि ए बी जो है वीपी के पैरेलल हो जाता है तो इसका फ्रंट व्यू जो होगा वो हमेशा जो है वो तुम्हारा टू लेंथ का बराबर होगा। तो ये चीज भी तुम्हें नोट करना चाहिए। तो कभी भी लाइन वीपी के पैरेलल हो तो उसका फ्रंट व्यू जो है ट्रू लेंथ के बराबर होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डैश बी डैश जो है वो, ये मेरा रेफरेंस लाइन है और ये मेरा ए डैश बी डैश फ्रंट व्यू है। तो हेलो दिव्या, दिव्या दिवाकर, हेलो। यस सर। ठीक है, अच्छा ये बताओ फ्रंट व्यू जो है वो मेरे रेफरेंस लाइन से कितना एंगल बनाना चाहिए अगर लाइन तुम्हारा एचपी के परपेंडिकुलर है तो? 90 डिग्री 90 डिग्री बनाना चाहिए। इस इतना ही कॉन्फिडेंस से तुम लोग को सभी को जवाब देना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो देखो यहाँ पर ए डैश बी डैश जो है वो तुम्हारा ए डैश बी डैश का लेंथ कितना है? ए बी के लेंथ के बराबर हो जाएगा और ये ए डैश बी डैश जो है वो एक्स वाई से तुम्हारा 90 डिग्री बनाएगा और इसका टॉप व्यू जो है वो तुम्हारा एक पॉइंट होगा। तो ये केस वन का प्रोजेक्शन जो है वो हमेशा ये थर्ड नंबर वाला फिगर तुम्हें शो करेगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान दें, इसमें किसी किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो ये पहला केस का रिवीजन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस प्रॉब्लम में किसी को भी डाउट है तो आज पूछ लो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम लोग क्लास में सेशन जब चलेगा तब पूछना, लेकिन ठीक है। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ये पहला टॉपिक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी को पूछना है, प्रॉब्लम आएगा तो बनेगा सभी का लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी?
ठीक है, मानते हैं ये बनेगा। ठीक, तो फिर हम लोग सर नेक्स्ट। ये हेलो अब हाँ, हेलो प्रज्वल बताओ। सर, HP और BP अगर पैरेलल होंगे तो सर क्या होगा? हाँ, तो वो हम टोटल नंबर जो है केस जो है मेरे पास ये केस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम केस नंबर वन को सिखा दें। ठीक है, तो केस नंबर वन अगर आ जाता है तो फिर केस नंबर टू पर हम लोग आएंगे, फिर केस नंबर थ्री पर, फिर केस नंबर ओके फोर, सर, फिर केस नंबर, तो सभी प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगेन सेम प्रॉब्लम क्या मेरे लिए रिपीट होगा तुम्हारा, ये दूसरा केस के लिए तुम लोग को बनाना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं रोल नंबर 340 से। हेलो रोल नंबर 340। यस ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है कि एक तो अपने कॉपी में बना के इसको सॉल्यूशन बना रहे हैं। सबसे पहले हम लोग 5 मिनट में हम लोग तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तुम्हें उसका ओके उसे उसे जव, उसका जवाब देना है। सर, क्योंकि ओके सर, लाइन लाइन अगर परपेंडिकुलर टू वीपी है, सभी का क्वेश्चन है, सभी लोग अपने मन में अपने कॉपी में राइट करना। अगर लाइन वीपी से परपेंडिकुलर होगा तो एचपी के एचपी से कितना एंगल बनेगा? ये 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो ये सभी लोग नोट कर लो, अगर लाइन वीपी के परपेंडिकुलर होगा तो एचपी से 0 डिग्री बनाएगा। ठीक है, अब इस लाइन का टॉप व्यू क्या होगा? टॉप व्यू का लेंथ क्या होगा? टॉप व्यू का लेंथ अगर लाइन पर टॉप व्यू का लेंथ ट्रू लेंथ होगा। ट्रू लेंथ होगा। अब सही, वेरी गुड। और वो लाइन एक्स वाई से कितना एंगल बनाएगा? सर कौन सा? टॉप व्यू एक्स वाई से 90 डिग्री बनाएगा। 90 डिग्री बने, वेरी गुड। और उस लाइन को अगर फ्रंट व्यू करें, फ्रंट व्यू और लेंगे तो क्या प्रोजेक्शन आएगा? सर फ्रंट व्यू पॉइंट होगा ना वीपी पे, A-B-। हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा जवाब। ठीक है, तो सही है, तो ठीक है मेरे तरफ से तुम्हारा सही है, वेरी गुड। ठीक है, तो ओके हम सर, लोग सही है तुम्हारा, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी गुड। थैंक यू सर। तो हम लोग पिक्चोरियल व्यू इसका देख लेते हैं पहले। ठीक, तो देखो अगर लाइन तुम्हारा एचपी के परपेंडिकुलर वीपी के परपेंडिकुलर है तो ये तुम्हारा ए बी लाइन है, ए बी वीपी के परपेंडिकुलर होगा तो ये इस तरीके से पिक्टोरियल व्यू इसका। ये तुम्हारा पिक्चोरियल व्यू। ठीक है, तो सभी लोग अगर हम लोग कहते हैं लाइन वीपी के परपेंडिकुलर है तो तुम्हें दिमाग तुम्हारे दिमाग में ये वाला पिक्चर तुम्हें देख देना चाहिए। ठीक है, हमेशा। तो अगर लाइन तुम्हारा जैसे ये तुम्हारा ए बी लाइन है, ए बी अगर वीपी के परपेंडिकुलर होगा तो इसका अर्थ है वो एचपी के ऑटोमेटिकली ये तुम्हारा एचपी के पैरेलल हो जाता है।
एचपी के पैरेलल का अर्थ क्या है, कैपिटल बी से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये स्मॉल बी बनता है, और कैपिटल ए से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये तुम्हें स्मॉल ए बनता है। तो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों ही ये तुम्हारा रेक्टेंगल बनाएगा, ए बी स्मॉल बी और ए ये तुम्हें रेक्टेंगल बनाएगा। तो रेक्टेंगल बनाता है तो ये साइड और ये साइड जो है वो, हाँ हेलो, हाँ वो, हाँ क्लास लेके आते हैं, क्लास ले रहे हैं अभी 1 बजे। तो ये साइड और ये साइड जो है आपस में तुम्हारा बराबर हो जाता है। तो हमेशा याद रखो, अगर लाइन वीपी के परपेंडिकुलर होगा तो एचपी के ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाता है। तो अगर लाइन एचपी के पैरेलल है तो इसका अर्थ है पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों ही पॉइंट जो है वो एचपी से इक्विडिस्टेंस होगा, ये पहला, ठीक है। तो एच ऑफ ए इक्वल टू एच ऑफ बी होगा, ठीक है। अब जैसे ये लाइन है, इस लाइन का वो टॉप व्यू देखोगे तो ये तुम्हारा ए बनेगा, ये तुम्हारा बी बनेगा, और इसका फ्रंट व्यू देखोगे तो एक पॉइंट पर होगा, ए डैश और बी डैश ड्रॉ होगा, ठीक है। अब ए डैश और बी डैश जो है वो ये तुम्हारा एक्स वाई लाइन है, इस एक्स वाई लाइन से ए डैश बी डैश कितने डिस्टेंस पर होगा, तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो तुम्हारा डी ऑफ ए और डी सॉरी ये तुम्हारा एच ऑफ ए चाहे एच ऑफ बी के बराबर होगा। तो ये स्पेशली ये कैपिटल बी स्मॉल बी और ए डैश से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये पर्टिकुलर लाइन और ये पर्टिकुलर लाइन और ये पर्टिकुलर लाइन, तीनों ही लाइन जो है इक्वल लेंथ का है और तीनों ही लाइन पैरेलल है, तो ए डैश और बी डैश जो होगा वो एक्स वाई से कितना डिस्टेंस पर होगा, वो डिस्टेंस एच ऑफ बी चाहे एच ऑफ ए, इसीलिए ये तुम्हारा बना है ए डैश और बी डैश, एक पॉइंट को डिनोट करता है अगर लाइन बी पी के परपेंडिकुलर हो। और ए डैश और बी डैश एक्स वाई से जो डिस्टेंस होगा वो तुम्हारा एच ऑफ ए चाहे एच ऑफ बी के बराबर होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तुम्हारा ए बी लाइन है, इस ए बी लाइन को एच पी में प्रोजेक्ट करोगे तो ये लाइन बनाएगा ए बी, और ये लाइन ए बी जो है वो एक्स वाई से जो है वो तुम्हें 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, अगर बी पी के परपेंडिकुलर होता है। तो इसीलिए इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ए बी लाइन जो है वो एक्स वाई से तुम्हें एंगल कितना बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तीसरा जो है ये तुम्हारा ए बी है और ये तुम्हारा ए स्मॉल बी है। अब बी स्मॉल बी स्मॉल ए और स्मॉल ए इसको कनेक्ट करोगे तो ये रेक्टेंगल बनाएगा। तो रेक्टेंगल अगर बनाता है तो ये साइड इसके अपोजिट साइड दोनों ही बराबर होंगे, तो ए बी जो है वो तुम्हारा कैपिटल ए बी के बराबर होगा। तो टॉप व्यू जो होगा वो तुम्हारा 2 लेंथ के बराबर होगा। तो इस फिगर में ए बी का लेंथ जो है वो तुम्हारा ए बी के लेंथ के बराबर, कैपिटल ए बी के लेंथ के बराबर होगा, ठीक। तो टॉप व्यू हमेशा 2 लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा है ये स्मॉल बी जो पॉइंट है एक्स वाई से कितने डिस्टेंस पर होगा, तो एक्स वाई से डिस्टेंस जो है ये बी है, तो बी वर्टिकल बी से परपेंडिकुलर, जैसे ये पॉइंट बी है तो बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट से कैपिटल बी से बी डैश का डिस्टेंस जो है डी ऑफ बी को डिनोट करता है, और ये साइड आपस में पैरेलल है और इक्वल है, रेक्टेंगल बना रहा है, ठीक है, 1.1.1.1 ये रेक्टेंगल बना, तो ये डिस्टेंस डी ऑफ बी के बराबर होगा। तो इस वाली फिगर में स्मॉल बी जो है एक्स वाई से कितना डिस्टेंस होगा, डी ऑफ बी के बराबर होगा। तो ये फिगर जो है तुम्हारा सेकंड केस का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ लाइन होता है, ठीक है। तो हम लोग ये केस दो केस का हम लोग रिवाइज किए, बाकी रिमेनिंग 4 केस जो बच जाते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट केस में, हम लोग अगर लैब कल लैब होगा तो हो सके लैब में हम लोग रिवाइज करेंगे केस नंबर और 4 केसेस, ठीक है। तो तुम्हें ये ओके दो okay. केस के प्रॉब्लम को तुम लोग अच्छा से बनाओ, तुम लोग को आज हम व्हाट्सएप से सेंड कर देंगे क्वेश्चन, ठीक
इसके हिसाब से उसके प्रॉब्लम में हाईलाइट कर देंगे, लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड बीपी। तो ये दो केस तुम लोग अपने नोटबुक में अच्छा से बनाओ। आज के लिए काफी है, अटेंडेंस अपना सबमिट करो और हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर फीडबैक ये क्वेश्चन सर भेज देंगे, हमें आज भेज देंगे, आज शाम को जाएंगे घर मेरे सर पास ट्राई क्लास। करेंगे सर, नहीं आएगा तो नहीं पूछेंगे। आएगा तो पूछना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आएगा तो पूछ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आज के लिए अटेंडेंस दे दो और फिर हम लोग कल बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ओके क्लास थैंक लीव यू कर सर। सकते हो हम। हाँ हाँ जब भी बताएं। फाइनल हाँ हेलो, रोल नंबर 351, कुछ कहना चाह रहे हो? यस सर, जो आप सर डीबी बोले हैं, बी और बी डैश के बीच का डिस्टेंस, वो सर क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या? हाँ, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ऑब्वियसली दिया रहेगा तुम्हें क्वेश्चन में। सर क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ एच ए और डी ए ही देखने को मिला है हर क्वेश्चन में, डीबी का हाँ कहीं। नहीं, क्वेश्चन में जो है वो तुम्हें दिया रहेगा। अच्छा सर ठीक। ठीक, हाँ हेलो, हाँ प्रियंशु, हाँ, हाँ, वो कंबाइन ही लेंगे, कंबाइन ही लेंगे। नहीं, नहीं नहीं नहीं, तो इसमें 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 करवा सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बस ये ठीक है। हाँ, कल 10 बजे से लाइव है, हम भी लेंगे और अनिल जी हैं वो भी लेंगे, दोनों लेंगे। ठीक है, दोनों ले, तीन जैसे 3 घंटे का समय रहता है, तो स्पेशली वो टेक्निकल है, वो अनिल जी को स्पेशली अनिल जी को अलॉट है, तो अगर कुछ जैसे वो टाइमिंग रिमेनिंग रहता है तो दोनों शेयर कर करते हैं। अगर जैसे उनको अगर नहीं टाइम टिक से 10 बजे से अगर वो स्टार्ट नहीं कर पाते हैं तो हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये रहता है जनरली वो अभी अनिल, हाँ रिवीजन ही करेंगे, जब हम क्लास में लेंगे तो वो रिमेनिंग जो 4 है तो उसको हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक, ओके, ठीक। थैंक यू सर। हेलो सर,
हेलो हेलो
का ऑफिस।